वो अपवित्र होता है। अगर मंदिर के पूजा के लिए बुलाएंगे वो अपवित्र होता है, अगर पार्लियामेंट को बुलाएंगे वो अपवित्र होता है। ये तुम्हारी सोच है। इससे पहले जो पार्लियामेंट की बुनियाद डाली, कौन थे उस वक्त राष्ट्रपति जी? रामनाथ कोविंद जी। कौन थे वो रामनाथ कोविंद जी? कौन थे बताओ मेरे को? वो एक शेड्यूल कास्ट का नेता था, उसको भी उसने उन्होंने आने नहीं दिए। और आप बात बड़े बड़े करते हैं हमने वो किया। अरे पहले तो लोगों को आपके साथ लो, शूद्रों को आपके साथ लो, गरीबों को आपके साथ लो, किसानों को आपके साथ लो, युवाओं को आपके साथ लो, महिलाओं को आपके साथ लो। उनको तो साथ नहीं लेते लेकिन टीका करते, घर घर फिरते हो, दिन में तीन तीन मीटिंग करते हैं। काय के लिए भाई? काय के लिए? मेरा पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है बोलते हैं। ठीक है भाई आपका परिवार, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोगों की भलाई के बारे में सोचना ना। लेकिन आप हमेशा सोचते हैं आरएसएस के लिए क्या करना, बीजेपी के नेताओं के लिए क्या करना, यही तुम्हारा विचार है। लेकिन जनता होशियार हो गई। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हर जगह गरीबों पर अत्याचार हो रहे। ईवीएम बदल कर दिया। ईवीएम हम सबके नेता पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण, साथियों, आप बहुत देर से बैठे हो, समय ज्यादा हो गया। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इस बागड़ की धरती में, बांसवाड़ा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कृपया जोरदार तालियों से राहुल जी का स्वागत करें। इस मुद्दे को लेकर राहुल जी ने यात्रा निकाली है, उसको पूरा करने में हम सबको मिलकर राहुल जी का साथ देना है। आने वाले समय में सब चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे। और अभी आपको खड़गे साहब और राहुल जी बहुत महत्वपूर्ण बातें बोलेंगे, समाज के बारे में, देश प्रदेश के बारे में, चुनाव के बारे में। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, हमारे आदिवासी भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान, किसान भाई, सब मिलकर आने वाले समय में कांग्रेस का हाथ मजबूत करें। इस देश में 10 साल से जो सरकार बनी है उसने लोगों का शोषण किया है, झूठा प्रचार किया है, जुमले दिए हैं। हम लोग जो कहते हैं करकर दिखाएंगे। अभी राहुल गांधी जी और खड़गे साहब आपके बीच बोलेंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस एकजुटता का परिचय आप सब लोगों ने पहले दिया है उसी ताकत के साथ हमें आगे बढ़ना है, चुनौती देनी है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सहयोगी दलों को भारी बहुमत के साथ हाथ के निशान पर वोट डालकर हमें जिताना है। एक बार पुनः राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम सर। धन्यवाद। अब मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित रोहित सिंह जी डोटासरा साहब से निवेदन करूंगा कि वे बता रहे खड़गे जी एड्रेस लेने को समय मिलता है। लेकिन जो जनता जनार्दन है, जनता को हम जनार्दन कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनके दर्शन के लिए तुम तैयार नहीं। तो ये मोदी जी की हमेशा रवैया रही, लेकिन हमको अब होशियार बनना चाहिए। ताकत के साथ हम जीतेंगे और मोदी जी को बताएंगे, अरे भाई सिर्फ कुछ बोलने से, कुछ कहने से नहीं होता, काम करने से होता, ये हम दिखाएंगे। जय हिंद। जय हिंद। जय कांग्रेस। जय कांग्रेस। जय कांग्रेस। जय कांग्रेस। जय कांग्रेस। जय कांग्रेस। नमस्कार सबको।
अब मैं चाहूंगा हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आए और हम खड़गे जी, रंधावा जी, भाइयों बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। 8 घंटे मिनट के बाद कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। सोच वहां से शुरू होती है। आपने टीवी देखा, राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आपने किसी गरीब को देखा? एक आदिवासी नहीं मिलेगा आपको। मैंने चेक किया है, मैंने लिस्ट निकाली है सबकी, इनके सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकाली है। एंटरशिप मिल जाएगी और ये अधिकार होगा। ये ऐसे नहीं होगा कि भैया हमें देना है तो देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे। ये मनरेगा जैसा अधिकार होगा, कानूनी अधिकार अप्रेंटिसशिप का आपको दे रहे हैं। इससे देश में करोड़ों युवाओं को फायदा होगा, ट्रेनिंग मिलेगी और पहला साल का, एक प्रकार से पहले साल का रोजगार मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे युवा आए, कहते हैं राहुल जी हमने एग्जाम की तैयारी की, हम गरीब हैं, 3-4 महीने हमने मतलब रात दिन कर दिए, एक कर दिए, एग्जाम के दिन पता लगता है 5% वालों के टेलीफोन पे पेपर की। हम ईमानदारी से काम करते हैं और जिनके पास फल है पेपर चुरा लेते हैं और फिर उसके बाद हमें कहा जाता है कि देखिए पेपर लीक हो गया तो आपको अब नौकरी नहीं मिलेगी। पुलिस की भर्ती में होता है, पटवारी सब भर्तियों में होता है। तो हम एक नया कानून लाएंगे, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि एग्जाम होगा तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है प्राइवेट कंपनियों को पकड़ा दिया जाता है, ये आउटसोर्सिंग नहीं होगी, एग्जाम सरकारी संस्था करेगी और इस प्रकार से करेगी, और अगर इस प्रकार से नहीं किया और अगर पेपर लीक हो गया तो फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी बार नहीं होने वाला है। चौथी चीज, युवा में बहुत शानदार पब्लिक एड्रेस हुआ है, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। सभा समाप्त हो चुकी है और अभी राहुल जी निकलने वाले हैं। हेलीकॉप्टर नहीं मिला, उतरने दिया और मध्य प्रदेश से बाई रोड गाड़ी में आए और बांसवाड़ा की जनता कुशलबाग मैदान में सुबह 12 बजे तक 3 बजे तक इंदिरा जी के स्वागत के लिए बैठी थी, वही जनता आज आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। हैंड ओवर दोनों प्रदेशों के सेवा दल के अध्यक्ष इस प्रक्रिया को पूरी करवा रहे हैं। जोड़ो जोड़ो
धन्यवाद। अब मैं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गांधी जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी मंच पर मौजूद, दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, सचिन पायलट जी, हमारे प्रभारी रंधावा जी, सीपी जोशी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश भाई जीतू पटवारी जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता बांसवाड़ा राजस्थान में राहुल जी का पब्लिक एड्रेस का कार्यक्रम है, आ चुके मंच पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी बांसवाड़ा राजस्थान में हजारों की संख्या में लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतर्गत उसका स्वागत करने के लिए आए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और अभी पब्लिक एड्रेस होगा राहुल गांधी जी का और वो पहुंच चुके हैं मंच पे। राजस्थान के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। पीछे वाले को दिख नहीं रहा है। चढ़ने वाले हैं बांसवाड़ा राजस्थान। का एड्रेस खत्म हुआ अभी बांसवाड़ा में और हम निकल रहे हैं अब आगे के लिए। और बहुत ही आज पहली बार बहुत ही मतलब प्रबल आत्मविश्वास राहुल गांधी के चेहरे पे मेरे को लगा और बहुत ही शानदार बोले पॉइंट टू पॉइंट। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि हम पूरी यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा राहुल जी बोले, खड़गे जी अच्छा बोले हैं।